प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और ये क्या है प्यारे जी? तो बच्चे बोल रहे होंगे कि माचिस है। अच्छी बात है, माचिस है। तो फिर बोलेंगे बच्चे से ये क्या है, तो बोलेंगे माचिस की तिल्ली है। अब बच्चों सोच रहे हो सर ये माचिस और तिल्ली क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कुछ सवाल पूछेंगे कि जो ये माचिस है ये बना था कब? तो बच्चे बोलेंगे सर डेट तो पढ़ते नहीं। अब आपको सारे बच्चों को बुक्स मिल चुके हैं स्कूल से, आप पढ़ा कीजिए। तो 1680 में लगभग बुक ये माचिस बनाने का आविष्कार किया गया था, जिसे किसने बनाया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। लेकिन जो वो माचिस बनाने की शुरुआत हुई थी रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1680 में, बहुत ख़तरनाक माचिस थी। सर माचिस ख़तरनाक क्यों थी? तो सर उसमें क्या था कि ये जो था, इस पर आप देख रहे कुछ लगा हुआ है और इस पर कुछ लगा हुआ है। तो इस पर जो लगा हुआ चीज़ है इसको हम बोलते थे रॉबर्ट बॉयल जो लगाया था, ये जो यहाँ पर लगाए हैं परत, वो लगा दिए थे श्वेत फास्फोरस का, जो बहुत उसका तापमान जिसका ज्वलनता बहुत कम होता है, आसानी से आग पकड़ रहा था। लेकिन जब 1845 में लाल फास्फोरस की खोज हो गया, आविष्कार हो गया, ये कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस। कौन सा है? लाल फास्फोरस। उसके बाद जो माचिस बनी वो सेफ्टी माचिस हुई। और लेकिन आपसे अब सवाल पूछेंगे, माचिस तो आप डेली देखते हैं, मैं पूछूं सर ये क्या है, ये बताओ जल्दी से, माचिस की तिल्ली में ये क्या लगा है? जल्दी से बच्चे बचाएँ बता दीजिए प्यारे, ये माचिस की तिल्ली पे जो लगा है ये क्या है? तो बच्चों का सर आंसर होगा रसायन, एक केमिकल है जिसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। अब मैं पूछूँ जो माचिस की डिब्बी होती है इस पर जो लगा है केमिकल, इसका क्या नाम है? तो बच्चे बोलेंगे लाल फास्फोरस। क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। साथ में सिर्फ लाल फास्फोरस नहीं है, साथ में क्या है बच्चा जी? सल्फर है। लाल फास्फोरस प्लस सल्फर इसमें मिलाया गया है। तो ये बना है सेफ्टी माचिस। सेफ्टी माचिस क्यों? आसानी से हम जला सकते हैं, ये जल गया। चलो ठीक है, तो बच्चों ने माचिस देख लिया, सारे समझ गए ये क्या है। पोटेशियम क्लोरेट है, इस पर जो लगा डी पर सल्फर और सल्फर और लाल फास्फोरस के लेयर लगे। और मेरा सवाल है बच्चों से ये क्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर कैंडल है, मोमबत्ती है। ये किसका होता है सर? तो ये याद रखना बच्चे, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, अर्थात ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्यों हाइड्रोकार्बन सर? इसको जब जलाओगे तो बच्चा जी इसके दहन से, इसके जब कंबसन कराओगे तो इसमें से निकलेंगे हाइड्रोजन और कार्बन। वन सेकेंड, एक बार और इसको करें। तो बच्ची आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि मोमबत्ती में आग नहीं लगने वाली थी, मोमबत्ती पिघलेगा और उसके बाद जो उसमें के ये रहा। सर इतने एक्सपेरिमेंट क्यों दिखा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ प्यारे जी कि आज आपका चैप्टर ये है दहन और ज्वाला, कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्ची इसके पास फ्लेम होता है, इसके पास देखो मोमबत्ती जल रही है ना। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ कैमरे में तो इसको सबसे बाहर ये है जो नीला नीला कलर के जल रहा है, नीला नीला है, इसको बोलते हैं आउटर जोन। इसके बीच में जाकर देखें थोड़ा सा जो पीला पीला है उसे बोलेंगे मध्य जोन, मिडिल जोन, और जो सबसे अंदर है उसके में उसको बोलते हैं हम लोग इनर इनर जोन, जो सबसे अंदर में है। अच्छी मोमबत्ती है, जलने से क्या निकल रहा है? इसके जलने से बच्चे जी हाइड्रोजन और कार्बन निकल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट था, अगर इस पर हम कुछ कोई प्लेट ले आए तो इस पर मोमबत्ती की लौ अगर सीधी हो तो ये प्लेट जो है इसकी वलय आकार क्यों बन जाती है? एक देखता हूँ एक्सपेरिमेंट करके। अब देखिए भैया जी, आपने देखा मोमबत्ती जला है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसको मैंने हाइड्रोकार्बन क्यों बोला? अब देखिए काला काला इसका आ गया क्योंकि इसमें कार्बन भी थे, कार्बन से काला हुआ और इसमें हाइड्रोजन भी थे, काला हो गया। चलो सर ये दहन के लिए कितनी आवश्यक चीज़ जरूरत होती है? इस ये अगर चीज़ जल रहा है, सब्सटेंसेस अगर बर्निंग हो रहे हैं, इसका कंबस्टन हो रहा है, तो इसमें तीन चीज़ इसके आसपास में क्या है? एयर है, ठीक है। मेरे पास क्या ज्वलनशील पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ मतलब मेरे पास कैंडल है, और जलाने के लिए मेरे पास इसको इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए मेरे पास माचिस की तिल्ली था। क्या मैं अगर यहाँ का ऑक्सीजन बंद कर दूँ तो क्या फ्लेम बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखो बच्चे जी ऐसा कर दिया, देखना मोमबत्ती बुझना शुरू हो जाएगा, बुझ गया। तो बच्चे ऐसा क्यों हो गया? तो बच्चे बोले सर इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, यही बात सही है।
लेकिन सबसे इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें ऑक्सीजन को सप्लाई तो बंद हुआ, साथ साथ में इसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बढ़ गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसलिए इसका कंबशन रुक गया। तो इतने जो इस आपने इस चीज़ को समझ लिया, चैप्टर में यही चीज़ पढ़नी है जो आपको अब तक दिखाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं सर चैप्टर आपका। आपको इसके पहले दीदी के दो लेक्चर आए थे, तो दीदी के थोड़ा आवश्यक कार्य है, दीदी आपके लिए लेक्चर नहीं कर पा रही हैं, तो मैंने बोला था सर मैं बच्चों अब आपको मैं ही लेक्चर दिया करूँगा, तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये नोट्स बनाने ही होंगे मेरे तरफ से। अब इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये वन शॉट लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर में आपके चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से इसको इंजॉय कीजिएगा। चलिए प्यारे वाला शुरू किया जाए आज के आपका लेक्चर। हमने कहा सर दहन क्या होता है, तो आपने कहा सर कि दहन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या देता है बच्चा जी, ऊष्मा और प्रकाश, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। विदाउट ऑक्सीजन कम्बस्चन तो संभव नहीं है। आपने समझ लिया कि दहन किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, दहन जो होता है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कम्बस्चन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे जी? कम्बस्चन। सर लेकिन दहन के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ ना, दहन के लिए देखिए ये इसका पूरा चैप्टर का निचोड़ है। कम्बस्चन क्या होता है? कम्बस्चन में ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है, हाँ सर। दूसरा, दहन होगा तो हीट और लाइट तो निकलेगा ही निकलेगा, हीट और लाइट निकल रहा है तो समझो कि कम्बस्चन हो रहा है। अब देखो कोई भी हीट, कोई भी कम्बस्चन हो, उसमें ऊष्मा तो निकलेगा, लेकिन ये कभी कभी ऐसे रिएक्शन होते हैं, ऐसे केमिकल कम्बस्चन होते हैं, रिएक्शन रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में कम्बस्चन होते हैं जहाँ पर सिर्फ लाइट निकलते हैं। लाइट निकलते हैं तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लाइट में बच्चे जी फ्लेम होता है, फ्लेम बोले तो सर ज्वाला, ज्वाला समझते हो, मैंने अभी मोमबत्ती को दिखाया था जलाकर, उसके ज्वाला क्षेत्र थे, लौ, ठीक है। दूसरा, किसी किसी में चमक होता है, सर चमक कहाँ होती है? एक सेकंड बच्चे जी, आपको सारे एक्सपेरिमेंट लगभग दिखाई दिए जाएंगे, सर लोग बोलते हैं सर कम्बस्चन तो बगैर होता है, बिल्कुल होता है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर, लेकिन अभी आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना बच्चों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों से इन्वाइट करें, ताकि उनसे बताएं कि आपको आपके कोचिंग्स में, आपके इंस्टीट्यूट में सर वो कुछ भी रटने नहीं देंगे, सारी चीज़ें वो कैसे पढ़ाई जाएंगी, पूरा कोशिश की जाएगी सर आपको प्रैक्टिकल पढ़ा दी जाए, ठीक है। एक सेकेंड, आपका तो सर कहाँ चले गए? सर यहीं पर देखो, मैंने बोला कि पहले पूरा समझ लीजिए फिर उसके बाद दिखाते हैं, एक में चमक आएगा, एक में ज्वाला रहेगा, ठीक है सर। अब जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे सर, कहीं कागज़ को जलते देखें, मोमबत्ती को जलते हुए देखें तो मान चल जाए, लेकिन कहीं पर चमक, सिर्फ चमक पाई जाती, चमक में तो सिर्फ सुलगता हुआ, तो जैसे कि अगरबत्ती का दहन या कोयले का दहन, तो मेरे पास दो कोयला तो नहीं है लेकिन ये दोनों है, देखिए दोनों दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा मैं दिखाऊं, एक ही करके दिखाता हूं, इसमें आपको ग्लो दिख रहा है क्या? इसे ग्लो बोलते हैं, और इसको थोड़ा दूर रखता हूं, और इसमें क्या है बच्चे जी? इसमें क्या है देखो, ये क्या है बच्चे जी? इसमें लौ है, इसमें लाइट भी है, देखो इसमें लाइट तो इसमें भी है, इसमें लाइट है तो उजाला हो रहा है ना, उजाला, इसको हटा दिया देखो, लेकिन ये में सिर्फ चमक आ रहा है आपको, सिर्फ चमक दिख रहा है क्या? दोनों कम्बस्चन है, एक चमक, एक कम्बस्चन में सिर्फ क्या आपको चमक दिखाई दे, इसमें ग्लो दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं है, इसमें आपको जल, इसमें लाइट भी दिखाई दे रहा है। क्या आपने दोनों समझ लिया? दो टाइप के कम्बस्चनों को समझ में आ गए, तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, चल बहुत अच्छे बच्चे मेरे, तो बिल्कुल इसको रटने वाले नहीं है, आपको ये कंसेप्ट पूरे अच्छे तरह से क्लियर हो गया। तो इसमें मैंने आपको देखा, एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैंने मोमबत्ती में आग लगाया तो मोमबत्ती का कम्बस्चन क्या तो हो गया, क्या मैं अगर ऐसा करूं, एक सेकंड, आज बहुत सारे माचिस मेरे जलने वाले हैं क्योंकि बच्चे आज पढ़ने वाले हैं, कम्बस्चन ये क्या है, किसी चीज़ को जला सकते हैं ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें ऐसे कर रहा हूं तो इसमें आग नहीं लग रहा है, इसका कम्बस्चन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चा जी? अदाह्य पदार्थ है, ये नॉन कम्बस
कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस है, और किसी में आग लगा रहा हूँ, इसे लकड़ी में, कागज में, तो क्या है? दाह पदार्थ है। दाह पदार्थ मतलब कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस, जिसमें दहन, जिसका दहन हो पाए। तो ऐसे पदार्थ जिसमें जो दहन के प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे कि लकड़ी, पेपर, किरोसिन ऑयल, चारकोल, इस सब में दहन होता है। लेकिन जिनसे जो जल ही ना पाए, जिनमें आग लग ही ना पाए, जो डज नॉट अंडरगो कम्बस्टन, जो कम्बस्टन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, वे पदार्थ जो दहन नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं अदाह पदार्थ। जैसे में सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, ग्लास हो गया, आपको अभी जस्ट में दिखाया था, इसका कम्बस्टन नहीं हो पा रहा था। क्लियर क्लियर, ये सारे आपको नोट्स बनाते भी चल रहे हैं पहले जी। अब मैंने आपको एक्टिविटी दो कराने के लिए बोला है, एक्टिविटी दो देख लेता हूँ क्या है आपकी बुक में। एक्टिविटी वन क्यों नहीं कराया मैं, देख लेता हूँ एक्टिविटी वन में क्या है। चलो एक्टिविटी वन कराने से पहले आप समय कुछ ये करा दूँ। आपके बुक में कुछ दिया है फूलों के लिए, जैसे बोला है कागज है, अब कुछ सब्सटेंस के नाम लिखे खुद से, मैं दो दिखाया हूँ करके कागज लिख दिया, वो क्या है? दाह पदार्थ है, तो मैं यहाँ पर साइन लगा दिया हूँ। अदाह नहीं, कागज अदाह नहीं है, नहीं है वो, अदाह नहीं है वो, दाह पदार्थ है, तो उसमें सही। पत्थर दाह पदार्थ नहीं है, तो क्रॉस का साइन लगाया, अदाह पदार्थ है बिल्कुल। आप अपने तरफ से कुछ सामान की लिस्ट बनाएंगे, अपने विचार से, बेचारी कोई चीटिंग नहीं करेगा, मेरे जितने छात्र हैं, आप अपने मन से आप जाइएगा, माचिस लीजिएगा, किस सब्सटेंस में आग लगाइएगा, कम्बशन कीजिएगा, जो जल जाएंगे उनका नाम लिख दीजिएगा कि दाह पदार्थ है, जो नहीं जलेंगे उसको बोलिएगा अदाह पदार्थ है। तो क्या ये फूल, ये वाला चार्ट भर सकते हैं? हाँ सर, हम भर लेंगे। बहुत सुंदर, प्यारे बालक हैं, बहुत सुंदर। क्रियाकलाप वन थोड़ा देख लेते हैं, क्या दिया एक्टिविटी वन। ये कह रहा है मेरे पास कि आपने हैंडलेस देखा होगा, ठीक है सर, उसको आप सूर्य की रोशनी में करके कागज पर करेंगे, तो कागज की रोशनी क्या होती है, बीच वहाँ पर गर्म हो जाता है ना गर्म, इसको पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। कहता है कि अपने आसपास के दो पत्थर से ऐसे ऐसे उसको रगड़िए, आपस में कसकर रगड़िए, अब छू कर देखेंगे तो कैसा लगता है, तो हीट आती है। क्या होता है भैया जी? हीट हो जाता है। अब करके देखिएगा, अपने हाथ को भी जोर से करेंगे ना, तो बाद में गर्मी महसूस होगा, हीट महसूस होगा। इन्हीं पत्थर को अंधेरे में जब जोर से करेंगे तो क्या होगा, रात में कर लीजिएगा, दो पत्थर को रात में लगड़िएगा, देखिए ना वो लाल लाल, उसमें चिंगारी निकलती है। हम लोग बचपन खूब करते थे, आप भी करते होंगे, देखे भी होंगे। हाँ सर, उसमें चिंगारी निकलती है। किसी ऐसे दिन जब धूप में, अगर बहुत धूप हो, बहुत सारे गर्मी हो, वहाँ के सब कुछ सूखे हुए हों, और वहाँ पर लेंस का कागज लेकर जाइए और हैंड लेंस के सूरज की रोशनी से कागज को केंद्रित कीजिए, थोड़ी देर में कागज को छूकर देखेंगे तो बहुत गर्मी महसूस होगी, कभी कभी तो आग लग भी जाता था, अगर अच्छा लेंस होगा तो उसमें आग लगा देगा, हो गया। तो इसमें वही बताता आपने क्या क्या महसूस किया इस क्रियाकलाप से, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप हीट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी दो भी करा देता हूँ आपको, और ये बाकी जितने हैं बच्चे जी सारे टर्म आप थोड़ा अपने बुक से पढ़ लेंगे। देखो मैं आपको पूरे चैप्टर को ऐसे लेके जा रहा हूँ कि एक बार आप जब रीडिंग लगाने बैठोगे सारा कंसेप्ट आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आपको जितने इसमें टर्म है सबको पढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा क्रियाकलाप दो कराने वाला हूँ, ये देख लेता हूँ, वही मोमबत्ती वाला जिसको आप जलते उसको करेंगे। तो इस क्रियाकलाप से क्या सीख रहे हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक था, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक था, है नहीं, है ना बच्चा जी? हाँ सर, मैंने एक्टिविटी शुरू में ही दिखा दिया था आपको, मैंने देखा था, हाँ बच्चे ने देखा था अभी, अब दोबारा भी कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा लेक्चर बनाने हैं तो मैं ऐसा तो करने वाला हूँ। चलो तो एक्टिविटी दो करके दिखा दिया, बोला भी स्वयं करके देखिएगा। अब देखो, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अगर उल्टा गिलास रखने पर कुछ समय बाद लौ बुझ जाती है, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था? ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन या मोम। तो बच्चे बोलेंगे सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका कारण थी, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा हो गई, इसीलिए मोम बुझ गई। अब बात करें से ज्वलन टेप क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसी उस पदार्थ का न्यूनतम उसी उस पदार्थ का ज्वलन ताप करते हैं, और सारे पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। मैं अगर देखूं आपको दो एग्जांपल ले लूं, एक ये ले लेता हूं कैंडल और एक ले लेता हूं मैं वुड। चलो वुड बोले तो ये मेरे पास ये लकड़ी है, ठीक है। चलो मैं दोनों को देखता हूं सर, किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है किसका ज़्यादा है। तो जिस न्यूनतम ताप पर, देखिए ये रहा, चलो फिर से पूछो क्या था, तो एक सेकेंड आपसे क्वेश्चन मैं करते चलूँगा, हो गया, ये तो आसानी चल गया, ठीक है। और ये देख रहा है, नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है,
नहीं जल रहा है। अब देखो ये क्यों नहीं जल रहा है, और मैं जलने वाला कोई सब्सटेंस दे दूँ जो जल जाए आसानी से। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि लकड़ी जो था इसका जो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए नहीं जल रहा है। चलो मैं थोड़ा पेपर लेके लेता हूँ, ये कागज़ है, अब देखता हूँ इन दोनों में किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है ज़्यादा। ये रहा मेरे पास लकड़ी, इतना देर किया, चलो इनको भी थोड़ा करता हूँ जा। ये तो सटते सटते जल गया। तो आप ये ऑब्जर्व किए कि लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका इग्निशन टेम्परेचर सॉरी और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है। चलो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो गिर गया मोम, कोई बात नहीं। तो ज्वलन ताप को समझ में आ गया, अलग अलग पदार्थ की ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी जलेगा। और ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर, उसके प्रकृति पर किस प्रकार का है ये, किसके नेचर कैसा है। देखा आपने अभी जस्ट देख लिया, पेपर का नेचर अलग था और मोम थी क्या बोलते हैं और वुड का नेचर अलग था, वुड बोले तो लकड़ी। अब देखो गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी की घास रहती है, ठीक है, उसमें आग पकड़ लेते हैं कभी कभी। अगर ऐसे जिसे पूरे जंगल में आग लग जाता है, इस पूरे जंगल में आग लग जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर, यानी हिंदी में बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं, दावानल कहते हैं। चलो किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। अच्छे बच्चे मैं भूल गया आपको पढ़ाना क्या चैप्टर क्या रहे थे, तो आज आप लोग पढ़ रहे थे, आज वो चैप्टर था जिस चैप्टर का नाम था बच्चा जी आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू में बता दूँ आपके आपके शुरू में पेज में लिखा था, आपने थोड़ा अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो। आप पढ़ रहे हैं विज्ञान, क्या पढ़ रहे हैं विज्ञान, विज्ञान में आप क्या पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हैं आप केमिस्ट्री। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं बच्ची, आपके तीन प्रकार के साइंस पढ़ने हैं, आपको क्लास नाइन से मालूम चल जाएगा। एक होगा केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ा कर रहे हैं हमसे, इसके बाद आपका देखूंगा बायोलॉजी शायद किसका लेक्चर है, देख लेता हूँ। ऐसे मैं आपको थोड़ा एक बुक में समझा दूँ आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस से, और ये लेक्चर दोनों के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए भी है सॉरी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। देखिए ये केमिस्ट्री में आता है, ये भी केमे, और ये आपके बायोलॉजी में चला जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, त्वरित भूकंप ये छोड़ दूँगा। अब इसके बाद आपको एक केमिस्ट्री से लेक्चर हो गया, और एक आपको करा दूँगा मैं बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से कराने के बाद एक करा दूँगा मैं आपको फिजिक्स से, फिजिक्स। तो ये आपका फिजिक्स में चला गया, ये आपका बायोलॉजी में चला गया, और ये आपका केमिस्ट्री में चली रहा है। तीनों बुक्स तीनों साइंस से मिलाकर आपके पास लगभग 19 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं 19 चैप्टर है, ठीक है। सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, चिंता नहीं करना है, बस आपको इन्जॉय करना है, ऐसे पढ़ लेना है कि आप कुछ रटना ना पड़े। चलो एक बात करो, सफेद फास्फोरस उसके ज्वलन ताप इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर से कल बराबर होता है, उसको रूम में आप रखोगे तो आग लग जाएगा, उसको जलाने की जरूरत है, इसीलिए उससे हाथ पर नहीं छूते हैं। हाथ से क्यों नहीं छूएंगे सर, क्या हाथ में भी तापमान होता है, हम लोग बॉडी का तापमान भी होता है ना, जो सफ़ेद फास्फोरस के तापमान से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हाथ पर अगर सफ़ेद फास्फोरस रखेंगे हाथ से उसी में आग पकड़ लेगा। तो सर उसे कहाँ रखते हैं, सर उसे पानी में डुबा कर रखते हैं, कहाँ रखते हैं उसे, उसे नहीं छूते, उसे पानी के अंदर रखना पड़ता है, कहाँ उसे, उसे जल के अंदर रखना पड़ता है। चलो फिर क्या है, अब बात करते हैं सर दहन के लिए क्या क्या सब आवश्यक है, किसी चीज़ का कंबसन के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो दहन के लिए पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, हीट देखा आपने, मैंने थोड़ा हीट दिया लग सकता, अभी चीज़ में आग लगा बिना हीट के ज्वलन, यानी इसको अब हीट बोलो उसके ज्वलन ताप में बोल सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और फ्यूल यानी आपको ईंधन होना चाहिए, ईंधन बोले तो क्या। अच्छा बच्चा जी अगर मुझे आग लगाना है तो क्या मैं लग ईंधन चाहिए कि नहीं मेरे पास, अगर मैं कहीं पानी में आग लगाऊँ तो लग जाएगा क्या, क्या मैं इसमें आग लगाऊँ तो आग लग गया, नहीं ये ईंधन नहीं है, ईंधन होता है जिसमें आग पकड़े, जिसमें आग लग जाए। और वो भी कैसा होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट बन गया आपका, चलो ये आवश्यक शर्त है। अब थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर आपको जस्ट पढ़ाया गया था, तो मैं बोला कि अलग अलग सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लेक्चर है, जाके सीबीएसई बोर्ड के बालक देखें, पूरा आपका सिलेबस से सेम है। बिहार बोर्ड का इसलिए बेनिफिट हो गया कि आपके दोनों चैप्टर थोड़े थोड़े हल्के से अंतर से हैं, तो इसीलिए आपको मजा आने वाला है, बिहार बोर्ड के लिए आपको बहुत इंक्रीज नंबर मिलेगा, और साथ में तो भाई सीबीएसई वाले के लिए तो भाई ये चैप्टर आपके लिए इनफ है। आप थोड़ा देख सकते हैं ना इनका इग्निशन वाइट फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस, पेट्रोल, सबके इग्निशन टेम्परेचर क्या है बच्चे जी, अलग अलग है।
अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस होना चाहिए। तो ये पदार्थ जिनका ज्वलनता बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ जलते हैं, उसे ज्वलनता कम होने का मतलब इसे कि देखा मैंने माचिस में ऐसे किया, फटाक से आग लग गया, ठीक है, और ज्वाला के साथ जलते हैं उसमें नहीं ज्वाला होगा। जैसे क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल जला के देख लें, LPG डीजल कितना जल्दी जलते हैं, इनकी जो इनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इनका ज्वलनता सबसे कम होता है, सबसे कम नहीं बोलूँगा कम होता है, क्योंकि इसमें आसानी से आग पकड़ती है और ये ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये क्या करेंगे बच्चे जी, और चलो एक सॉरी मैं क्या कर दिया, कुछ भगा दिया क्या आपके लिए, हाँ मैं कुछ इसे बोले, ठीक है हो गया, ये तो हो गया अपना जोड़न तक हो गया। मैं एक बार कहाँ लेके चला गया था, चलो मैं क्या लिखा हूँ कि जिनका इनका ज्वलन तब क्या होता है, कम होता है, इसलिए अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जिनका ज्वलन तब कम होगा वो अधिक ज्वलनशील पदार्थ होंगे। अब रेट ऑफ कम्बसन, दहन की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है, दहन की दर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, दहनशील कणों के आकार पर। अच्छे बच्चे जी, मैं बोलूँ आपको इतना बड़ा संटास को जलाना है, ठीक है, अरे छोटे संटास को जलाना है, देखो अभी मालूम चल जाएगा, अच्छा लकड़ी ये इतना बड़ा था नहीं जल रहा था, और क्या मैं लकड़ी का थोड़ा सा इसका ये बुरादा लाता इसके मतलब काट के थोड़ा छिल के लकड़ी लाऊं तो क्या इस लकड़ी में आग नहीं लग जाएगा, तो इस लकड़ी में आग लग जाता अगर इसको मैं छिल के जलाऊं तो, क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा हो गया। छोटे आप घर पर जब भी देखे होंगे छोटे छोटे लकड़ी हम लोग फाड़ देते हैं, चिर देते हैं, तो उसमें आसानी से आग लग जाती है, लेकिन वही गुटका लकड़ी का बहुत बड़ा होगा तो क्या उसमें आग जल्दी पकड़ेगा, नहीं। तो आप चाहते हैं कि दहन का मेरा दर ज़्यादा हो तो उसके कण आकार छोटे होने चाहिए, कण का आकार जितना छोटा होगा कम्बशन का रेट उतना ज़्यादा होगा, समझे। दूसरा पॉइंट, ज्वलनशील पदार्थ की प्रकृति पर, हाँ नेचर तो उनका होना चाहिए, जिसका नेचर, अगर नेचर उसका जल्दी जलने वाला हो तो जल्दी जलेगा, जिसका नेचर होगा बहुत लेट से जलता होगा तो लेट से जलेगा। गैसीय पर उनकी प्रकृति पर, ये बात बहुत जरूरी है। आपने देखा कि आपकी मोमबत्ती को जब मैं जलाकर उल्टा गिलास जला था आपकी मोमबत्ती बुझ गई थी, क्यों बुझी थी, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई थी। तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, कम हो। दहनशील पदार्थ का ज्वलन ताप पर, उसका ज्वलन ताप कितना है, मान लो जलने वाला पदार्थ है, मान लो लकड़ी भी जलता है, ये भी जल जाएगा जलाने पर, थोड़ा इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पेपर में भी आग पकड़ लिया जल्दी पकड़ लिया, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो ज्वलन ताप पर निर्भर करेगा, यानी इग्निशन टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो हम बात करते हैं सर इनकम्प्लीट कम्बशन पर, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट, इसको हिंदी में बोलेंगे अपूर्ण दहन, यानी जिसका दहन पूरा ना हो। कहता ये कब होता है भाई, ये दहन अपूर्ण दहन कब होता है, जब ईंधन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो वहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। मैं कैसे दिखा दूँ आपको, अच्छा मान लीजिए आपका कोयला जल रहा है तो उसमें काला ज़्यादा क्यों हो रहा है, ज़्यादा काला होने का मतलब ऑक्सीजन कम है। कभी आपने गैस देखा हो, गैस बंद आपको जलता है तो गैस के स्टोव में छेद है, उसमें छिद्र क्यों है, छोटे छोटे स्पोर क्यों हैं, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहे, नहीं तो आपका बर्तन काला हो जाता। अपूर्ण दहन के दौरान बहुत सारी धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस निकलती है। जब भी आपने देखा हो कि अगर कोयला जलता है कोयला, तो कोयला के जलने में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे CO2 गैस निकलते हैं, इसीलिए कभी रात में सोना है तो आप कमरे बंद करके कोयले जला करना ही सोना चाहिए, नहीं तो इंसान मर जाता है, क्योंकि उसमें CO2 नहीं निकलता है, CO2 कम निकलेगा जब ऑक्सीजन की मात्रा होगी। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें उसका अपूर्ण दहन हुआ है, अग्नि ऑक्सीजन कम है और दहन करा रहे हो तो वहाँ पर अपूर्ण दहन होगा, और वहाँ पर निकलेंगे CO2 नहीं निकलेगा, वहाँ पर निकलेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों बड़े अक्षर में लिखा गया है, C भी कैपिटल लेटर है, O भी कैपिटल लेटर है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट ने मिलकर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस होती है इसको साइलेंट डेथ बोलता है। अगर आप रात में किसी कमरे में सोए हैं और उसमें आपने कोयला जला दिया है, कोयला कम्बशन का सो गए हैं और रूम का सारा खिड़की बंद कर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, रात भर क्या निकलेगा, CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और आप सोए रह जाएंगे, आप उठेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दिया। तो कभी ऐसा मत कि आपको देखना है, इसका न्यूज में बहुत इस बार भी न्यूज, दिल्ली में बहुत लोग मरे थे, इसका भी न्यूज आपने सुना था, तो उन्होंने साइंस द्वारा नहीं पढ़ा है। आप जब भी ऐसा कुछ करते हो तो खिड़कियाँ खोल के रखें, ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगा तो उसका दहन क्या होगा, कम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, कम्प्लीट होगा तो उसमें सर ये जहरीली गैस नहीं निकलेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या जहरीली गैस है,
इसलिए सलाह दी जाती है कि जब यह सुलगत कोयला सुलगता रहे तो आग वाली कमरे में न सोए, या सोए तो खिड़की और के सब खोल के रखें ताकि वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरा हो सके। कोयले की अपूर्ण दहन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कमरे में सो रहे लोगों की जान ले सकती है, यानी साइलेंट डेथ होता है इसे। इंसान सोया था सोए रह जाएगा, आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ कम्बशन की, दहन के प्रकार। तो दहन तीन प्रकार से होंगे। एक तीव्र, मैंने आपको माचिस में आग लगाया था तो माचिस तुरंत जलता है ना, एक बार ऐसे तिल्ली रगड़ो माचिस में आग लग गया तो क्या था, तीव्र दहन। एक होता स्वतः दहन, जिसे मैंने बोला व्हाइट फॉस्फोरस, रखो आग अपने पर लग गया, उसको आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा और पटाखा जलाया अपने, कोई पटाखा देखा कितना विस्फोट, आग तो जलता है पटाखे में, उसमें भी प्रकाश रूप जब रॉकेट अप उड़ाते हैं तो आकाश में जाके थोड़ा सा लाइट निकलता है, साथ में क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों रिलेटिव है। इसमें क्या होता है, इसमें साउंड नहीं होता है, इसमें साउंड होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, इसमें साउंड होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विस्फोटक, विस्फोट दहन। तीनों की डिटेल में यहाँ पर समझा दिया गया है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। रैपिड कम्बशन के बारे में क्या बोला, जो तीव्र होता है, तीव्र बोले तो आपको देखो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से जलेगा, देखा अपने इसका तीव्र दहन हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपका रैपिड कम्बशन हो गया। ये पदार्थ की ऊष्मा, हीट और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और तेज़ी से जलते हैं। बाहरी ऊष्मा जो होती है, बाहरी ऊष्मा भी प्रदान करती है इसमें, लेकिन बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है जलाने के लिए। जैसे हमने लाइटर का इस्तेमाल किया, माचिस का इस्तेमाल किया तब लगा, बिना बाहरी आप इसमें कुछ दिए नहीं कर पाते। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे LPG के पास लाइटर का प्रयोग करना, लाइटर क्या हो गया, एक बाहरी आपने दिया बिना लाइटर के, या माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली का जलना किसका एग्जांपल है, रैपिड कम्बशन का एग्जांपल है। अब अपने दूसरा था स्वतः जलन, ये तो समझो कि अपने आप जल जाएगा, इसमें कोई आपको बाहर से जलाने की जरूरत नहीं है। जैसे श्वेत फॉस्फोरस हो गया, आप सोडियम के नाम सुनेंगे, सोडियम मेटल, तो सोडियम मटेरियल के बजाय किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्यों नहीं, तो ये बाहर निकलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें आग अपने ऑटोमेटिक पकड़ लेगी। अब विस्फोटक वाला में इसमें भी बाहर से आग लगाना पड़ता है, आप पटाखे को उड़ाते हैं, बाहर से आग लगाते हैं, लेकिन इसमें साउंड निकलता है, प्रकाश के साथ साथ इसमें ध्वनि भी पैदा होती है और ये अभिक्रिया में बनी गैस की मात्रा बहुत होती है। देखना जब पटाखा उड़ता है तो बहुत सारा उसमें से धुआं निकलता है, बहुत सारे धुआं, लेकिन साउंड भी निकलती है। एक्टिविटी तीन की आपका देख लिया जाए, जितने आपकी एक्टिविटी हैं करते चलेंगे आप। एक्टिविटी तीन आप देखें, इसको पढ़ लीजिएगा और करते भी चलिएगा। कहता कि एक कटोरी में आप एक कागज की कटोरी बनाइए। कागज की कटोरी कैसे बना सकते हैं, देखिए आपके पास कोई पेपर पड़ा है, इसको अपने ऐसे कटोरी बना दिया, ठीक। अब इसमें पानी भर दीजिएगा, इसमें क्या भर लेंगे आप, इसमें पानी भर लेंगे और नीचे से आग लगेंगे, क्या आग लग जाएगी क्या, क्या इसमें आग लग जाएगा, नहीं लगेगा सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। और को इसको क्लास में को करके दिखा दीजिएगा, कागज की कटोरी बना लीजिएगा और या गंध से साट कर कटोरी बना सकते हैं, कागज को गंध से साट दीजिएगा, आपको उसमें से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। और बोरा कि क्या आप जानते हैं, कटोरी में इसको आग लगाएंगे तो पानी को गर्म कटोरी के में गर्म किया जाता है, इसीलिए कभी कागज की कटोरी बना के लीजिए और जल्दी ही मोमबत्ती के पास ले जाइए कि आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। आप एक कटोरी बनाइए, उसमें पानी भरकर मोमबत्ती लो ले जाइए और क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी, कागज़ की कटोरी नहीं जलती है, नहीं जलता है क्योंकि सर देखो किसी भी जलना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। पानी अब डाल दिया है तो पानी ने क्या किया, उसके इग्निशन टेम्परेचर को ठंडा कर दिया है, उसके ज्वलन तब को ठंडा कर दिया है, इसीलिए उसमें आग नहीं लगा, उसमें आग नहीं लगेगी। और कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता है और कागज जलने से बच जाता है, यही रीज़न है। तो एक्टिविटी बहुत छोटा सा है, जरूर आपने किया होगा। और आपने क्या देखा इसको, इन सब क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से ढूंढिएगा, कर सकते हैं, बहुत आसान आसान है, ठीक है। तो एक्टिविटी तीन हो गया। अब माचिस की कहानी दिया था इसके आगे, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। इसकी कहानी मैंने शुरू में पढ़ा दिया था कि पहले जो माचिस बना था वो क्या था, बहुत खतरनाक था, जो बाद में लाल फॉस्फोरस का खोज हो गया 1845 में। तो जो माचिस बना वो क्या था, सेफ्टी माचिस था, इसको मैं शुरू में बता दिया था। और जो माचिस की डीपी पर लगा रहता है, माचिस की तिली पर जो केमिकल लगा होता है उसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और उसकी डीपी पर जो लगाता है लाल फॉस्फोरस लगाता है और सल्फर लगा रहता है। ये मैंने और इसमें थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है, माचिस कहानी पढ़ा भी दिया आपको, एक्टिविटी तीन भी करा दिया और साथ में जो पॉइंट अच्छे अच्छे थे इस पॉइंट को आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि आपको जब रिविजन करें तो आपको आसानी से याद आ जाए। उसके बाद क्या आपके पास, चलो दोनों लिख दिया हम सब जो भी पॉइंट था। और इसके आगे था आपके पास मोमबत्ती का इतिहास, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा।
देखो ये मोमबत्ती कहती जाती है, मोमबत्ती क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने इसकी इसके बारे में इसका खोज किया था। तो उनके जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट है मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, आप एक बार जरूर से इस टॉपिक को पूरा रीड करेंगे, जरूरी है आपको पढ़ना। और आपसे एक प्रश्न किया गया था कि आग गर्म क्यों होती है, पानी ठंडा होता है तो आग हीट, आग में गर्मी क्यों होती है, किस कारण गर्मी होता है। तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से CO2 और वाष्प बनता है, यह एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी परमानेंट होता है यानी अस्थायी होता है, और इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में बच्चे एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा ऊर्जा। और इसी ऊष्मा ऊर्जा के कारण आग क्या होती है बच्चे जी, गर्म होती है। अब बात है कि सर कहीं आग लग जाती है आसपास में तो उस पर हम लोग कंट्रोल कैसे करें। जहाँ भी आग लगी है, मान लो कि बहुत सारे लकड़ियाँ, कोई पुआल खर घास सूखे हैं, आग लगाएं, तो आग लगा है तो जैसे जितना दूर आग लगा है ठीक है, बाकी दूर के उसको हटा दीजिए, बाकी उसके जो भी घास सूखे सूखे हैं उसको हटा दीजिए, ताकि जितना जला है जलेगा बाकी चीज़ तो बच जाएगी। तो पहला स्टेप हुआ कि दाए पदार्थ जितने वहाँ पर जितने वाले जलने वाले पदार्थ हैं उसको हटा दें, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करें, कोशिश करें कि वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए। और तीसरा, ज्वलन ताप को बढ़ा दें। ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको पानी उस पर फेंकना पड़ेगा, बहुत सारे पानी फेंकें ताकि उसका ज्वलन ताप बढ़ जाए। ज्वलन जब ताप को बढ़ेगा जो पदार्थ ठंडा हो जाएगा तब। और एक अग्निशामक आता है जिसको हम बोलते हैं, आप देखा होगा लाल बॉक्स की चीज़ होती है, इसको अपने बहुत सारे बैंकों में देखा होगा, बड़े बड़े मॉल में देखा होगा, उसमें तो आपके बुक में दिया है, थोड़ा इसको भी पढ़ लिया जाए, ये वाला थोड़ा आपके बुक में अच्छे कलर में नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया कि ये इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो भी इसमें उच्च दाब पर CO2 गैस दाब भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच की एक शीशी से अम्ल है, इसमें एसिड भी होता है जिसमें जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का बिलियन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुख तोड़ा जाता है तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसमें एसिड है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, CO2। मैंने बोला कि मोमबत्ती आपका क्यों बुझ गया था, तो मोमबत्ती का बुझने कारण CO2 था, क्योंकि CO2 की मात्रा जहाँ जहाँ बढ़ेगा, जिस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम होगा CO2 ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कम्बशन नहीं हो सकता है, वही बातें समझा गया है, इसमें CO2 बन जाता है और हवा को संपर्क तोड़ता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है। सरकार के निर्देश है कि इसको बैंक वैंक में बड़े बड़े मोहल्लों में इसको रखा जाता है, पेट्रोल पंप होगा वहाँ भी रखा गया होगा, क्योंकि ये अच्छा चीज़ है, अगर आपको बिजली में आग लगी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक में आग लगा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात लिखी गई, जब आग बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग कब करना चाहिए, तो जब लकड़ी में आग लगी हो, कागज़ में आग लगा हो तो आप पानी का इस्तेमाल करें तो आपका आग बुझ जाएगा। लेकिन इसको हो गया, चलो हमें आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, तो वही बताया, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगा है, इलेक्ट्रिक बिजली वाले उपकरण में आग लगे हैं, तो आप वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है जिसमें आसानी से और आग आपका और तेज़ी से जलेगा, तो वहाँ पर इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, या बालू मिट्टी का आप इस्तेमाल कीजिए चलेगा, आप CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। भीगा हुआ कंबल, लास्ट में लिखा था भीगा हुआ कंबल का इस्तेमाल करें, अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर में आग लगा है तो आपके पास कंबल उम्बल है, भीगा कंबल है, तो उसको भिजाइए और तुरंत गैस सिलेंडर में लपेट दीजिए, आपका आग बुझ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लेयर को बंद कर देता है, ऑक्सीजन का संपर्क बंद कर देता है जिससे आसानी से आग बुझ जाती है। ईंधन क्या होते हैं, तो ईंधन वो पदार्थ होते हैं जो जलने पर ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन को जलाने पर, और ईंधन को जलने पर सर ऊष्मा हीट क्यों निकलती है, क्योंकि ईंधन जब जलता है तो उसमें केमिकल एनर्जी बनती है, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में बदल जाती है, जिसे हम लोग आसानी से यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, अगर कहीं पर लाइट, पहले आज बिजली का आविष्कार हो गया, लाइट है, नहीं तो पहले लाइट नहीं था तो लोग किरोसिन से स्टोव जलाते थे और उसमें लालटेन जलाते थे, उसमें होती है लाइट के लिए, तो दोनों उसमें निकलता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों निकलता है। ये 3 रूप पाए जा सकते हैं एक ईंधन अपना, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ठोस जैसे लकड़ी कोयला पेपर, ये ठोस है, लिक्विड फॉर्म में पाए जा सकते हैं जिसमें आपका पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, किरोसिन हो गया, आपका एल्कोहल आ गया,
गैसी फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें CNG हो गया, LPG हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये पाए जाते हैं गैसीय रूप में। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि CNG और LPG किस कैसे एग्जांपल हैं, सॉलिड फ्यूल के कि गैसीय फ्यूल्स के कि लिक्विड फ्यूल्स के, कि इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट भी आपका स्क्रीन पर भी आंसर दिख रहा होगा, CNG और LPG गैसेस फ्यूल के एग्जांपल है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हो गया, अब हम बात करेंगे बच्चे जी अच्छे ईंधन जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनके क्या करेक्टर होते हैं। तो अच्छे ईंधन जितने होते हैं उनके ज्वलन ताप कम होता है, यानी बहुत कम ताप पर इसमें आग पकड़ लेगी। उच्च कैलोरी मान, उसके जो उष्मीय मान होंगे ज़्यादा होंगे, उसमें जलने पर ज़्यादा उष्मा मिलेगा, इससे फायदा ज़्यादा होगा। उसका जो दहन का दर होगा या तो ना ही ज़्यादा तेज जलेगा ना ही कम, यानी मीडियम में जलेगा, जिससे अच्छा है। बहुत तेज जलने से क्या होता है कि मतलब आपकी जो भी मान लो सब्जी जो भी खाना पकाते हैं जल भी सकता है, तो इसकी जहन के दर क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। रख रखाव और भंडारण में क्या होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए। प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, पॉल्यूशन उसमें से नहीं निकलना चाहिए, और सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सस्ता भी होना चाहिए और मार्केट में आसानी से मिल जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है अच्छा ईंधन है। अब अपने पर आता है सर उसमें उष्मीय मान, उच्च कैलोरी मान। कैलोरी मान का मतलब होता है ये उष्मीय मान क्या है। तो देखो एक केजी में, एक केजी समटाइम्स कोई एक किलोग्राम ईंधन को हम पूरा पूरा दहन करेंगे, जो भी ऊर्जा निकलेगा उसे बोला जाता है उष्मीय मान, उसे बोलते हैं कैलोरीफिक एनर्जी, सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। एक किलो ईंधन जो भी होगा आपका, एक केजी होगा, उसको जलाया जाएगा, कंप्लीट कंबशन कराया जाएगा, जो भी उसमें से आपको उष्मा मिलेगा उसे बोलते हैं, उस पदार्थ का उष्मीय मान बोला जाता है। इसका उष्मा कैसे मात्रक याद रखिएगा, जूल। उष्मीय मान जो होते हैं इसका ऐसे ही मात्रक होता है किलो जूल प्रति केजी ग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, याद रखना इसका ऐसा यूनिट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल जो भी आपको हीट निकला है और कितना अमाउंट था, यानी 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg और कितना किलो जूल निकला उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका उष्मीय मान निकल जाएगा। कुछ टेबल आपको दिए जा रहे हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ऐसे पेपर में नहीं आते लेकिन फिर भी आप अपने जनरल साइंस के लिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, काम आएंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे ज्वलन ताप, सबसे उष्मीय मान ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का होता है। अगर एक किलो हाइड्रोजन गैस जलाएंगे तो इतना उष्मीय मान निकलेगा, 1 kg गोइठा जलाएंगे तो इतना मिलेगा। तो उष्मीय मान ऐसे भी निकाला जाता है, उसको उतना केजी से डिवाइड कीजिएगा और कितना किलोजूल जूल आपको उष्मा मिला। तो एक आप सवाल पूछा गया था कि आचल ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने 4.5 किलो ईंधन जलाया, 4.4 kg अपने उसने फ्यूल को कंबशन किया, तो उसको कहने 17,000, 10,000, 1,00,000 1,80,000 उसको मतलब किलो जूल उसको एनर्जी मिला, उसमें मन मिला उसको, सॉरी इतना है उसको एनर्जी मिला। तो उसको उसका एक तो उसको आप कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ उसको जूल, उसमें मान इतना जूल हुआ, कितना की किलो पर था, तो इसे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर केजी उसने उसको क्या मिला, उसमें मान मिला। फिल्म क्या होता है, तो शुरू शुरू में आपको दिखाता है अगरबत्ती, जिसके सबसे बाहरी क्षेत्र था उसको हम क्या बोल रहे थे, जो नीला कलर का था उसमें टेम्परेचर उसमें से गर्मी ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको शुरू शुरू में पढ़ा दिया था ताकि आपको लास्ट में समय कम बचे, और मैं यहाँ पर डायग्राम के साथ में दिखा दिया हूँ। सबसे बाहर वाला क्षेत्र थोड़ा नीला होता है और उसमें पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है तो वहाँ पर ज़्यादा हीट निकलती है। बीच वाला में थोड़ा आंशिक दहन होता है, बोले तो पार्शियल कंबशन होता है, तो वहाँ पर थोड़ा तापमान कम होता है। और बीच वाला में सबसे जो अंदर होता है उसमें बिल्कुल दहन कम होता है, कार्बन ज़्यादा होने के कारण, तो वहाँ पर गर्म बहुत कम होता है। इसको नोट बना लेना आपको, ये सारी चीज़ आपको वीडियो के शुरू में आपको पढ़ा दिया था, लाइव एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया था कि ताकि आपको चीज़ें याद नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ डिटेल में सब लिखा गया है, सिर्फ आपको इसको लिख लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ साइंस है नहीं। कुछ क्वेश्चन भी इसमें साथ में कराया हूँ, तो ये रहा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से आप कर सकते हैं। एक दो टॉपिक और थोड़ा आपको पढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। पूछा रहेगा द कलर ऑफ आउटर जोन, आउटर जोन कलर क्या था, सब देखे थे नीला कलर का था, बीच वाला पीला था, और सबसे अंदर वाला क्या था, काला था। ये तीनों कलर आप याद रखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उसमें मन क्या देता है, तो ऑप्शन भी होगा ईंधन की दक्षता, यानी फ्यूल की इफिशेंसी देता है कि इसकी इफिशेंसी क्या है।
चलो अब बात करेंगे हम सर SPM क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है। तो देखो जैसे कि हम पेट्रोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उसमें से कुछ उसके पार्टिकल निकलते हैं अपने वातावरण में। तो उसको क्या होता है, मान लो कि हमने हमारे फेफड़े में श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं तो नाक हमारे फेफड़े में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, तो हमें एक बीमारी होती है अस्थमा। वही बात ली है कि लकड़ी कोयला पेट्रोलियम जलने पर उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के वायु में राख और बिना जले महीन कार्बन के कण छोड़ते हैं जो अस्थमा बीमारी का कारण बनती है। इसीलिए जहाँ पर धुआं होगा वहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो अस्थमा रोग हो जाती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ये आपका आखिरी टॉपिक है। ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य, देखो सूर्य से क्या है, बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट जिसको हम बोलते हैं, यूवी रे जिसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं, वो आती हैं और टकरा कर ओजोन लेयर से और फिर वापस चली जाती हैं। तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट। लेकिन और इसको मैं थोड़ा आपको डायग्राम समझा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है ग्रीन हाउस प्रभाव ये। लेकिन क्लास आप कभी ऊंचे क्लास में जाएंगे, क्लास 11 12th में, बड़े बड़े क्लासों में भी ये हरित गृह प्रभाव के बारे में क्वेश्चन आते हैं। इसका अगर डिफिनेशन नहीं आता तो इस पर MCQ आ जाता है। तो हरित गृह प्रभाव तो इसमें कुछ गैस पैदा होती है, तो गैस क्या होता है, तो इसमें हरित गृह ग्रीन हाउस में ये कैसे होता है, तो इसमें कहते कि गैसें, वे गैस हैं, हरित गृह गैस क्या होती है, तो इसमें कुछ वे गैस होती हैं जो अवरक्त विकिरण को यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। तो हरित गृह प्रभाव में कौन से गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ था, जिसे अपने AC फ्रिज यूज होता है ना, उसमें ये डाला जाता है। तो अब लेकिन जितने फ्रिज आते हैं तो उसमें मना किया गया, अब इसमें ये गैसेस बहुत कम यूज होती हैं। आप क्लास 10th में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि क्लास 8 में इसको पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए क्लास 10th थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो, और ये जब भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है तो इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या होता है सर, ये देखो ये क्या क्या देता है, पॉल्यूशन ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। पॉल्यूशन से ही विश्व उष्मन और संसार में बहुत सारी गर्मी पैदा हो रही है, संसार में गर्मी बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या है, प्रदूषण। तीसरा इसे इफेक्ट पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडन अम्लीय वर्षा। अब प्रदूषण कब होता है सर, प्रदूषण होता है जब एयर में कुछ पोल्यूटेड सब्सटेंसेस का ज़्यादा हो जाना, यानी हवा में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ जाने से होता है। अब आपको यहाँ पर डायग्राम से हम समझा देंगे आसानी से कि आपका ये ग्रीन इफेक्ट क्या था। तो पहले देखिए क्या है, मान लीजिए सन है, सन से बहुत सारे रेडिएशन निकलती हैं, उसमें मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट थे, यूवी से पूरा नाम होता है, यूवी का पूरा नाम भी दिया हूँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसको हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरण। ये आती है मान लीजिए, और यह रहा अपना पृथ्वी, पृथ्वी के एक बाहर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसमें से कोई किरण आया, ओजोन लेयर नाम को बहुत बचाता है, ये क्या करता है अपने पूरी पृथ्वी को बचाता है, इसमें आएंगी और यूवी टकरा कर फिर से वापस चली जाएंगी। देखिए आया और टकरा के फिर से वापस चला गया, आया और टकरा के फिर से वापस चला गया, फिर से चला गया। नहीं तो अगर ये सारी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाती तो क्या होता कि हम और हमारे स्किन, किसी भी जीव के स्किन पर जाता है, स्किन त्वचा पर, तो स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती थी, हो जाती, लेकिन ओजोन लेयर बचाता। तो ओजोन लेयर क्या होता है, इसके लिए हमें बहुत मात्रा में पेड़ पौधे रखने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहे, अच्छी रहे। तो सर अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, देखो क्या होता है। अच्छा मैंने क्या बोला, ये चला गया, ये किरण चली जाएंगे तो ठीक है। मान लो कि आपके पृथ्वी में क्या CO2 है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इस किरण को जाने ही नहीं दिया, इसको ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, तो इससे क्या होगा, गर्मी सोख लेगा, तो ये जो बनेगा प्रभाव इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या बनता है, जब CO2 उसमें रिस्पॉन्सिबल हो और CFC गैस ये क्या करेंगी, अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित कर लेंगी, जिससे पैदा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये कहाँ से आती हैं सभी दोनों गैसें, श्वसन से, इन रेस्पिरेशन से आता है, जब हम श्वसन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, वन की कटाई से, AC फ्रिज ये सब यूज करने से, वाहन का प्रयोग करते हैं ज़्यादा इसकी मात्रा में हम लोग, ये सब CFC और CO2 की हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझाया हूँ कि कैसे आपका ये ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, क्या आएंगे सूर्य पर, कैसे आएंगे, CO2 क्या करेगा, सारे रेडिएशन को सोख लेगा, तो सोखने से क्या होगा, एक नया इफेक्ट पैदा होगा जिसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या था, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या था, सूर्य की प्रकाश आएंगी, उससे जो भी किरण आएगी वो टकरा के फिर वापस चला जाएगा
इस इफेक्ट का बोलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन अगर कभी क्या हुआ कि CO2 ने क्या किया कि सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया, जिससे क्या होगा हमारे वातावरण में विश्व में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, उस इसे बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्मन बोलेंगे। तो ये डायग्राम समझा दिया हूँ, CO2 जब इसको ऑब्जर्व कर लेगा तो ये विश्व उष्मन कहलाएगा। आपको चाहिए रटना नहीं पड़ेगा आसानी से, और डेफिनेशन आपको पूरा नोट्स बना के दिया गया है तो इसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दो टॉपिक और चर्चा करेंगे, इसके बाद आपका लेक्चर फिनिश किया जाएगा। देखो अब विश्व उष्मन के कारण क्या है, तो कारण यहाँ पर लिख दिया हूँ। मान लीजिए कहीं हमें जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूर भी जाना हो तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी खाना बनाते हैं तो स्टोव जले छोड़ देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब CO2 का लेयर बढ़ेगा तो ये इसके लिए, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, क्लास 10th में क्लास 12th में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा CO2 गैस, ठीक है। और सब जितने चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप जरूर कम करेंगे, ताकि बुक में पढ़ने का मतलब कि उसको जीवन में यूज़ करना है, सिर्फ पेपर में लिखने से मतलब नहीं है, आपको लाइफ में ये सब चीज़ें यूज़ भी करनी है। अब हरितगृह प्रभाव में विश्व उष्मन में क्या था, क्या रिलेशन है, तभी तो जस्ट दिखाया। हरितगृह प्रभाव में क्या था कि रेडिएशन आएंगी और अल्ट्रावायलेट सूर्य की और वापस चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन विश्व उष्मन में क्या था, अल्ट्रावायलेट आएंगी लेकिन उसको CO2 क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। यही दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि टॉपिक आपको बहुत डिटेल में क्लियर कर दिया गया है, नोट्स आपके सामने दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ईंधन को क्यों बचाना चाहिए, ईंधन को बचाने के लिए हम क्या करें, तो मान लीजिए खाना बनाना है तो जितना सब्जी वब्जी सब काट लें पहले से, ऐसा नहीं कि आप स्टोव जला दिए फिर पानी लाने जा रहे हैं तब तक स्टोव आपको जल रहा है। वाहन को जलाए हुए नहीं छोड़ना चाहिए, वाहन को चला के मत छोड़ दें। अगर आपके वाहन में देखे चाहिए उसका टायर में हवा है कि नहीं, क्योंकि हवा कम होने से भी गाड़ी के इंजन पर लोड पड़ता है, गाड़ी को अधिक तेज़ स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ईंधन का खपत होता है। थोड़ी दूर जाना है तो पैदल चल के इस्तेमाल करें, अच्छा रहेगा। अगर एक आदमी को चलना है तो अपने निजी वाहन मत ले जाएं, निजी वाहन मतलब क्या होता है, जैसे कार हो जाते हैं, आप खुद ऑटो ऑटो में बैठ के चल जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें चले जाएँ सब लोग के साथ बैठ कर, क्योंकि पैसा हम ला सकते हैं। और चलो इसके लास्ट में था कि AC ट्रेन, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, इसमें क्या है बहुत सारे धुआं निकलते हैं, इस धुआं में क्या होता है कि मान लो कि नाइट्रोजन, ऐसे समझो नाइट्रोजन गैस होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस धुआं में निकलती हैं, उसमें हमने वातावरण में है। अब क्या होगा, मान लो कहीं बारिश हुआ, तो बारिश हुआ तो बारिश में मतलब क्या है, उसमें पानी है, जल है, H2 है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H3। इसे आप क्लास 9th में जाकर पढ़ेंगे, अभी क्लास 8 में इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इसको रिएक्शन को देख सकते हैं कि NO2 और H2O से रिएक्शन करेगा तो HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। फिर अगर मान लो कि मैंने क्या बोला कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब क्या, ऑक्सीजन के दो एटम है, सल्फर एक है, ये भी जल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये दोनों है अम्ल, तो इसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इससे क्या होता है बच्चे जी, स्किन में ये होगा, बहुत सारे जीव मर जाएंगे, आप ताजमहल देख रहे हैं जो भी उसका कलर फीका पड़ रहा है, घर पेंट करते हैं ना हम लोग, तो घर का पेंट करते हैं तो घर की पेंट फीका क्यों पड़ जाता है, यही अम्लीय वर्षा से होता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना होगा, बहुत मात्रा में पेड़ लगाएं, जिससे क्या होगा वायुमंडल में इन सब की मात्रा क्या होगा, कम होगा, जिससे अम्लीय वर्षा नहीं होगी। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें निम्नलिखित पदार्थ में किसका ज्वलन तप सबसे कम होता है, तो ज्वलन तप सबसे कम किसका कम होता है, तो स्पिरिट याद रखिएगा, स्पिरिट, स्पिरिट समझते हैं क्या होता है, जो पेंट वेंट करते हैं तो उसमें स्पिरिट को मिला जाता है, बहुत ठंड स्किन पर ठंडा महसूस होगा, बहुत उसमें जल्दी से आग पकड़ता है। इस तरह से आपका टॉपिक क्लियर हो गया, अब रह जाएंगे आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, तो अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा। चलो धन्यवाद।